डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, लेसन नंबर 63। महोदय, समीक्षाधीन वर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को और कारगर तथा सुदृढ़ बनाया गया। मंत्रालय के कार्यक्रमों में दूरगामी प्रभाव वाले कई तरह के सुधार करने की पहल की गई। इन सभी सुधारों में मंत्रालय से संबंधित 2 मुख्य मुद्दे हैं। ठोस जल संभरण विकास नीति के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को स्थायित्व प्रदान करना और इन कार्यक्रमों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ये नए कदम ऐतिहासिक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की पृष्ठभूमि में उठाए गए थे, जिनका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करना तथा ग्राम पंचायतों के स्तर तक सही मायनों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। अब पहले से कहीं अधिक इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीण गरीबी के दलदल में फंसी हुई काफ़ी अधिक ग्रामीण जनता को इसके चंगुल से छुड़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में अधिक लोगों को शामिल करें। 10वीं योजना दस्तावेज के आमुख में इस मौलिक मुद्दे का संक्षेप में उल्लेख किया गया है कि विकास कार्यों के लिए सरकार की और ताकतें रहने तथा उस पर पूरी तरह से निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसे बदलना होगा। विकास की प्रक्रिया में लोगों को पूरी तरह से भाग लेना चाहिए और सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए। लोगों की ज़रूरतों और निचले स्तर पर योजना बनाने में उनकी भागीदारी को मंत्रालय के एजेंडा में शामिल किया गया है। इससे कार्यक्रमों की आयोजना तैयार करने हेतु ऊपर के स्तर से नीचे की ओर पहले से चली आ रही पद्धति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और यह लोगों, स्वैच्छिक एजेंसियों और सरकार का सहयोग लेने की प्रक्रिया से संभव हुआ है। कार्यक्रमों में नई पहल के परिणाम स्वरूप लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और यदि यह प्रयास इसी गति से आगे जारी रहा तो इससे निकट भविष्य में विकास की प्रक्रिया में उल्लेखनीय परिवर्तन आ सकता है। पाई पेरा चेंज। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2000-2001 में मंत्रालय की उपलब्धियों को देखा जाना चाहिए। मजदूरी, रोजगार तथा ऋण से जुड़े स्वरोजगार कार्यक्रम गरीबी निवारण के कार्यक्रम हैं, जिन्हें मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले काम की कार्यसूची में प्राथमिकता दी जाती रही है। गांवों में कम उत्पादकता और अल्प रोजगार सहित बेरोजगारी की समस्या से विशेष रूप से जुड़ी हुई अपनाई गई नीति ग्रामीण गरीबों पर तीव्रता से सीधा प्रहार करने की रही है। लक्ष्य यह है कि इस शताब्दी के अंत तक ज़रूरतमंद लोगों को पूरा रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को कम करना है। इसके लिए केंद्रीय योजना आवंटन में 3 वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2001-2002 में
7010 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जो कि देश में ऐतिहासिक तथा सबसे अधिक आवंटन है। पाई पेराचेंज महोदय, बढ़ाई गई इस धनराशि से ग्रामीण विकास के लिए सरकार की इस चिंता और इच्छा शक्ति का पता चलता है कि वह आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के जरिए और बिचौलियों के द्वारा उत्पन्न हर संभावित प्रतिकूल परिस्थिति से बचने के लिए बाजार ढांचे में सुधार लाकर ग्रामीण गरीबों को सुरक्षा प्रदान करना चाहती है। मंत्रालय के कार्यक्रमों में इतना अधिक निवेश पहले कभी नहीं किया गया है। इससे वास्तव में ग्रामीण गरीबों को प्रभावी सुरक्षा मिलेगी। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या से निपटने के लिए नई नई नीतियां तथा कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इन कार्यक्रमों का ध्यान विशेष तौर पर विशिष्ट पिछड़े क्षेत्रों और कृषि मजदूरों, मुक्त बंधुआ मजदूरों, छोटे और सीमांत किसानों, कारीगरों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों आदि जैसे उपेक्षित वर्गों के लिए विकास पर किया गया है। संक्षेप में इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी की प्रचंडता को कम करना तथा उसका उन्मूलन करना है। जवाहर रोजगार योजना एकमात्र सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। इसके अलावा गहन जवाहर रोजगार योजना उन अत्यधिक पिछड़े 120 जिलों में शुरू की गई है, जहां बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या काफ़ी अधिक है, जहां लोग रोजगार की तलाश में अन्य स्थानों पर पलायन कर जाते हैं और जहां प्राकृतिक संसाधनों की काफ़ी कमी है। जवाहर रोजगार योजना और गहन जवाहर रोजगार योजना से लगभग 1037 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार पैदा होने की संभावना है, जिसके लिए केंद्र का अंश 3855 करोड़ रुपए है। इसी प्रकार सुनिश्चित रोजगार योजना गरीबों को खेती के खाली मौसम के दौरान 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से अक्टूबर 1993 में शुरू की गई थी। इसने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना स्थान बना लिया है और वहां इसका बेरोजगारी और अल्प रोजगार की समस्या को हल करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में काफ़ी स्वागत किया गया है। पाई पेराचेंज इस योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों को पंजीकृत किया गया है, जो कि देश के पिछड़े और कम साधन वाले खंडों में निर्धनतम लोगों को रोजगार की सुरक्षा तथा खाद्य उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण तथा मुख्य माध्यम है। शुरू में यह योजना सूखाग्रस्त मरुस्थली आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों के 1778 पिछड़े इलाकों में शुरू की गई थी, जहां पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई है। इस वर्ष से इस योजना को और 409 पिछड़े खंडों में लागू किया गया है। इस योजना से लोगों को मजदूरी रोजगार के लिए बहुत बड़ा आश्वासन मिला है और उन्हें रोजगार के लिए एक नई दिशा प्राप्त हुई है। यह योजना गति पकड़ रही है और चालू वर्ष के दौरान 1200 करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय से लगभग 2000 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार सृजित होने की केवल उनकी बुनियादी आवश्यकताओं में
मकान उपलब्ध कराना न केवल बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है बल्कि इससे उन्हें स्थायित्व मिलता है तथा एक सामाजिक स्तर उपलब्ध होता है।